इंदौर नगर निगम ने एक बड़ा फैसला लिया है। निगम ने इंदौर की महात्मा गांधी रोड के एक हिस्से को हिंदी स्ट्रीट बना दिया है। खास बात यह है कि इस हिस्से में सभी दुकानों के साइन बोर्ड हिंदी भाषा में ही लिखे जाएंगे। इंदौर नगर निगम ने हिंदी भाषा के सम्मान के इरादे से शहर के महात्मा गांधी रोड के 500 मीटर के हिस्से का नाम हिंदी स्ट्रीट रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की करीब 44% जनता हिंदी बोलती है। देखिए, अपनी भाषा मातृभाषा हमको मान सम्मान और स्वाभिमान देती है। हिंदी में सोचना और अंग्रेजी में बोलना, ये कहीं ना कहीं हमारे कॉन्फिडेंस को कम करती है। और आज जैसा आप माहौल कई बार देखते हैं कि अंग्रेजी बोलने वालों को स्मार्ट समझा जाता है। अंग्रेजी आनी चाहिए, देश की हर भाषा आनी चाहिए, दुनिया की हर भाषा आदमी को आए, ये अच्छी बात है। लेकिन हमारी मातृभाषा का प्रभाव बढ़े, इसलिए एक संकल्प नगर निगम ने किया था, अपना रिजोल्यूशन पास किया था कि एक कोई स्ट्रीट को एक रूपता लाते हुए हिंदी में हम उसके बोर्ड्स लगाएंगे। इस फैसले के बाद इस क्षेत्र की सभी दुकानों पर एक ही आकार की हिंदी साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। दुकानदारों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। बहुत फायदा होगा, यहाँ के बोर्ड काफी पुराने हो गए थे, तो ये सब एक जैसे बोर्ड दिखेंगे तो दुकानों में रौनक आएगी। और नगर निगम ये बहुत अच्छा काम करवा रही है, नवीनीकरण कराया जा रहा है बोर्डों के माध्यम से, जो अच्छा प्रयास है नगर निगम द्वारा। और इंदौर में ऐसी चीज़ें होना भी चाहिए ताकि जो पुराने पुराने टाइप के जो ये बोर्ड वगैरह जो कई छोटे कोई बड़े कोई टूटे कोई फूटे, अब नए बन रहे हैं तो अच्छी बात है, और एक साइज के बन रहे हैं वो अच्छी बात है। 500 मीटर के हिस्से में हिंदी में साइन बोर्ड लगाने का काम शुरू हो चुका है। नगर निगम का कहना है कि इसे 15 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा।